जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं और मेरे साथी गाजीपुर किसान मोर्चा से हम आनंद विहार बस स्टैंड पर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पर निरंतर जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनको बसों में टिकट नहीं मिल रही है और वो बहुत जद्दोजहद करके अपने गाँव वापस जाना चाहते हैं। तो हमारे पास गाजीपुर मोर्चा पर ये जानकारी आई कि कुछ मजदूर भाइयों ने पूरा एक दिन खाना नहीं खाया, तो परसों रात से ही हमारे मोर्चे ने ये फैसला लिया। परसों रात हमने 500 किसानों को, अपने मजदूरों को यहाँ पर लंगर छकाया और कल रात 1500 के करीब हमने प्रवासी मजदूरों को यहाँ खाना खिलाया है। और आज इस वक्त हम तकरीबन 2200 लोगों का खाना लेकर आए हैं और हमारी टीम लगातार लोगों को खाना खिला रही है। और जितने भी पैसेंजर हैं आप देख सकते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन विषय ये है कि ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार किसानों को तो सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कर ही रही है, देश की जो मजदूर हैं उनका भी हाल बेहाल है। सो मेरी आप सभी से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो प्रवासी मजदूर हैं, जो स्पेशली दिल्ली NCR रीजन में, उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद कीजिए, हर संभव मदद कीजिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और देश का अन्नदाता कभी किसी को भूखा नहीं दे सकता। और मैं आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रवासी मजदूरों को ये आश्वासन देता हूं गाजीपुर मोर्चा कमेटी की तरफ से कि यदि आपको खाने की, रहने की कोई समस्या है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं और मेरे साथी गाजीपुर किसान मोर्चा से हम आनंद विहार बस स्टैंड पर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पर निरंतर जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनको बसों में टिकट नहीं मिल रही है और वो बहुत जद्दोजहद करके अपने गाँव वापस जाना चाहते हैं। तो हमारे पास गाजीपुर मोर्चा पर ये जानकारी आई कि कुछ मजदूर भाइयों ने पूरा एक दिन खाना नहीं खाया, तो परसों रात से ही हमारे मोर्चे ने ये फैसला लिया। परसों रात हमने 500 किसानों को, अपने मजदूरों को यहाँ पर लंगर छकाया और कल रात 1500 के करीब हमने प्रवासी मजदूरों को यहाँ खाना खिलाया है। और आज इस वक्त हम तकरीबन 2200 लोगों का खाना लेकर आए हैं और हमारी टीम लगातार लोगों को खाना खिला रही है। और जितने भी पैसेंजर हैं आप देख सकते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन विषय ये है कि ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार किसानों को तो सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कर ही रही है, देश की जो मजदूर हैं उनका भी हाल बेहाल है। सो मेरी आप सभी से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो प्रवासी मजदूर हैं, जो स्पेशली दिल्ली NCR रीजन में, उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद कीजिए, हर संभव मदद कीजिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और देश का अन्नदाता कभी किसी को भूखा नहीं दे सकता। और मैं आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रवासी मजदूरों को ये आश्वासन देता हूं गाजीपुर मोर्चा कमेटी की तरफ से कि यदि आपको खाने की, रहने की कोई समस्या है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय हिंद साथियों,
इस वक्त मैं और मेरे साथी गाजीपुर किसान मोर्चा से हम आनंद विहार बस स्टैंड पर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पर निरंतर जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनको बसों में टिकट नहीं मिल रही है और वो बहुत जद्दोजहद करके अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। तो हमारे पास गाजीपुर मोर्चा पर ये जानकारी आई कि कुछ मजदूर भाइयों ने पूरा एक दिन खाना नहीं खाया, तो परसों रात से ही हमारे मोर्चे ने ये फैसला लिया। परसों रात हमने 500 किसानों को, अपने मजदूरों को यहाँ पर लंगर छकाया और कल रात 1500 के करीब हमने प्रवासी मजदूरों को यहाँ खाना खिलाया है और आज इस वक्त हम तकरीबन 2200 लोगों का खाना लेकर आए हैं और हमारी टीम लगातार लोगों को खाना खिला रही है। और जितने भी पैसेंजर हैं आप देख सकते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन विषय ये है कि ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार किसानों को तो सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कर ही रही है, देश की जो मजदूर हैं उनका भी हाल बेहाल है। सो मेरी आप सभी से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो प्रवासी मजदूर हैं, जो स्पेशली दिल्ली NCR रीजन में, उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद कीजिए, हर संभव मदद कीजिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और देश का अन्नदाता कभी किसी को भूखा नहीं दे सकता। और मैं आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रवासी मजदूरों को ये आश्वासन देता हूं गाजीपुर मोर्चा कमेटी की तरफ से कि यदि आपको खाने की, रहने की कोई समस्या है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं और मेरे साथी गाजीपुर किसान मोर्चा से हम आनंद विहार बस स्टैंड पर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पर निरंतर जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनको बसों में टिकट नहीं मिल रही है और वो बहुत जद्दोजहद करके अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। तो हमारे पास गाजीपुर मोर्चा पर ये जानकारी आई कि कुछ मजदूर भाइयों ने पूरा एक दिन खाना नहीं खाया, तो परसों रात से ही हमारे मोर्चे ने ये फैसला लिया। परसों रात हमने 500 किसानों को, अपने मजदूरों को यहाँ पर लंगर छकाया और कल रात 1500 के करीब हमने प्रवासी मजदूरों को यहाँ खाना खिलाया है और आज इस वक्त हम तकरीबन 2200 लोगों का खाना लेकर आए हैं और हमारी टीम लगातार लोगों को खाना खिला रही है। और जितने भी पैसेंजर हैं आप देख सकते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन विषय ये है कि ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार किसानों को तो सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कर ही रही है, देश की जो मजदूर हैं उनका भी हाल बेहाल है। सो मेरी आप सभी से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो प्रवासी मजदूर हैं, जो स्पेशली दिल्ली NCR रीजन में, उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद कीजिए, हर संभव मदद कीजिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और देश का अन्नदाता कभी किसी को भूखा नहीं दे सकता। और मैं आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रवासी मजदूरों को ये आश्वासन देता हूं गाजीपुर मोर्चा कमेटी की तरफ से कि यदि आपको खाने की, रहने की कोई समस्या है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।